स्वागत है आपका एसएस नोट स्टडी पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बारे में। तो दोस्तों तो क्या है ये योजना वन नेशन वन राशन कार्ड, इसकी हम आपको पूरी डिटेल साथ आपको जानकारी बताई जाएगी। तो दोस्तों इसके अंदर सभी तो गरीब तो परिवारों को तो खाद्य सुरक्षा के अंदर तो बहुत ही आर्थिक सहायता मिलेगी, और इसके मतलब इस राशन कार्ड से तो बहुत ही नई नई योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं पूरी डिटेल साथ आपको जानकारी तो बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए और इस वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों तो मेरे पास आर्टिकल है, मैं आपको पूरा आर्टिकल मैं पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके। तो दोस्तों देश के 81 करोड़ लोगों को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने वाली तो मैं दुकान से सरकारी योजना PDS जन वितरण प्रणाली के लिए सोमवार यानी 1 जून की तारीख तो काफ़ी अहम है, यानी आज की तारीख आगे। इस दिन देश के 20 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था लागू हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज घोषित करते समय इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने तो कहा था कि मार्च 2021 तक देश के सभी राज्यों में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर इस विषय में जानकारी दी थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 81 करोड़ लाभुकों को देश भर में कहीं से भी राशन तो प्राप्त करने की सुविधा मुहैया कराने वाली महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड मोदी 2:0 सरकार की महत्वाकांक्षी उपलब्धि। 1 जून तक 20 राज्य इससे जुड़ जाएंगे और 21 मार्च 2020 तक ये देश भर में लागू हो जाएगी। इससे पहले 1 जनवरी को देश के 12 राज्यों में इस व्यवस्था की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय मंत्री पासवान ने इस बात की जानकारी दी थी। तो दोस्तों इस योजना के अंदर तो मतलब जो भी तो परिवार के पास अगर वन नेशन वन राशन कार्ड होगा तो वो भारत के अंदर तो कई भी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले सका, और जितने भी राशन कार्ड के थ्रू जितने भी योजनाएं होती है वो उसका लाभ तो कहीं से भी ले सकता है। एक तो इसका और फायदा और इसका एक और फायदा होगा सस्ती दरों पर मिलेगा अनाज। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के मुताबिक देश में 81 करोड़ लोग जन वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान से 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल और 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मोटा अनाज खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इस योजना से और इस राशन कार्ड से देश भर में आप तो कहीं पर भी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना से किसे मिलेगा लाभ? कोरोना संकट के इस काल में वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना काफ़ी अहम है साबित होने वाली। इससे देश के प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्यों में कम रेट का अनाज मिल पाएगा। तो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना और 1 जून यानी कि आज से ये लागू हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी जानकारी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये मोदी सरकार की योजना कैसी लगी, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।